अदाकारा फिल्म पद्मावती के लिए भी तनकीद का सामना करना पड़ा था। मारूफ भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म पठान पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब दे दिया। दीपिका पादुकोण को फिल्म पठान में लिबास की वजह से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। भारत में कुछ लोगों ने फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगाने का भी मुतालबा किया था, ताहम फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी नहीं लगाई गई और फिल्म ने दुनिया भर में कामयाब बिजनेस किया। हाल ही में दीपिका पादुकोण से उनकी फिल्मों पर होने वाली तनकीद के हवाले से सवाल किया गया, जिस पर अदाकारा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे तनकीद के बाद कैसा महसूस करना चाहिए, लेकिन यह हकीकत है कि वाकई में मुझे इस तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू में अदाकारा का कहना था कि मुझे लगता है कि सब्र की कमी है और मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जिससे हम सब सीख सकते हैं। इससे कबल दीपिका पादुकोण को फिल्म पद्मावती के लिए भी तनकीद का सामना करना पड़ा था। एक ग्रुप की जानिब से दावा किया गया था कि फिल्म का नाम सही नहीं, इससे राजपूत बरादरी के जज्बात को ठेस पहुंची है, जिसके बाद फिल्म का नाम बदलकर पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया था।